आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। दोस्तों, मुंसिफ टीवी आपसे अपील करता है कि आप सभी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही हर घर तिरंगा आंदोलन के तहत तिरंगे की सेल्फी लेकर harghartiranga.com वेबसाइट पर अपनी फोटो अपलोड करें और सर्टिफिकेट हासिल करें। आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, देश सबसे पहले होना चाहिए, विभाजन का निर्णय त्रासदीपूर्ण था। अखिलेश यादव बोले चुनाव आयोग पर नियंत्रण करना चाहती है भाजपा सरकार, कहा चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग बनाने की हो रही है कोशिश। महाराजगंज के नौतनवा में पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, 40 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाली सड़कों का किया शिलान्यास। और लखीमपुर खीरी के निघासन में गैंगरेप और हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषियों को उम्र कैद और दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ लगाया 15,000 रुपए का जुर्माना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को आज यूपी के सभी 75 जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है, जो कांटा बोएगा उसे फूल नहीं मिलेगा, देश सबसे पहले होना चाहिए, विभाजन का निर्णय त्रासदीपूर्ण था। इसके साथ सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त खाने के लाले पड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए देश को बांटा था, आज भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सबसे आगे बढ़ रहा है, भारत नई ताकत के रूप में उभर रहा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में लेने का आरोप लगाया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दखल को खत्म करने को उन्होंने लोकतंत्र के लिए घातक बताया। सरकार हर संस्था को अपने नियंत्रण में लेकर विपक्षियों का उत्पीड़न करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को हटाकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने से भाजपा का मानसिकता उजागर होती है। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव देश और प्रदेश की दिशा तय करेगा। इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना, ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना, सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है, बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से, चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए, ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा है, वो अपनी जगह पर है, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज के नौतनवा से है, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नौतनवा ब्लॉक परिसर में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान 12 स्वीकृत मांगों की विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत नौतनवा विकासखंड कार्यालय परिसर में शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी सहित ब्लॉक प्रमुख राकेश मधेशिया भी सम्मिलित हुए। इसी के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में 12 स्वीकृत मार्गों की मरम्मत 7,40,00,000 रुपए की लागत से ये तैयार होगी, जिससे राहगीरों सहित क्षेत्रवासियों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य की आजादी का 75वां साल पूरा साल हम लोगों ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है, उस अमृत महोत्सव के समापन पे और जो हमारा 2024 75वां साल शुरू होगा वो अमृत काल के रूप में प्रधानमंत्री जी ने तय किया है।
कि आने वाले 2047 में भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बन रहा है, और उसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता को राष्ट्र के साथ हमारे जो शहीद हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके नाते आज हम ये कर पा रहे हैं, उनको हमको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देना, उनको सम्मान देना, और हर गांव की माटी लेकर के दिल्ली अमृत वाटिका में एक पेड़ का निर्माण होगा, ताकि पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम, हर घर पे तिरंगा, और कहीं ना कहीं सब जगह जा कर के इसको जागृत करने का, ताकि आम जनता के अंदर राष्ट्र भाव जागे। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सांसद रामशंकर कठेरिया ने हर घर तिरंगा अभियान 2.0 के तहत 2200 गाड़ियां और 11,000 लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। ये कार्यक्रम इटावा के नुमाइश मैदान से शुरू होकर सिकंदरा कस्बे के नुमाइश मैदान पर ख़त्म हुआ। सिकंदरा पहुंचते ही ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार के साथ आशीष कटियार ने उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि हम सभी भारत के स्वर्णिम अमृत महोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने शहर के लोगों से अपील करते हुए अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की। तिरंगा कार यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 2100 कारें और 11,000 लोग उपस्थित रहे। ये एक तरह से जनजागरण का अभियान है। 15 तारीख के बाद मेरा देश मेरी माटी, ऐसा अभियान पूरे देश में चलने वाला है। हर गांव में एक कलश, एक पेड़ ब्लॉक में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। और लखीमपुर खीरी जिले के निघासन के एक गांव में 14 सितंबर 2022 को हुई दो बहनों के साथ घर से उठाकर गैंगरेप और पेड़ से लटकाकर दोनों बहनों की हत्या के मामले में आज 14 अगस्त 2023 को लखीमपुर पॉक्सो कोर्ट ने 4 दोष सिद्ध होने के बाद अपना फैसला सुनाया है, जहां गैंगरेप और हत्या के दो दोषियों को उम्र कैद और दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उनमें सुनील उर्फ छोटू और जुनैद पर गैंगरेप की हत्या की धारा के तहत देश के दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि आरिफ और करीमुद्दीन को अदालत ने साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए 6-6 साल की कैद के साथ 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। दो सगी बहनों की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद में उनके बलात्कार एवं हत्या करने के बाद फांसी के फंदे से सबको लटका दिया गया था। इसके बाद आज निर्णय आया है 4 अभियुक्तों के खिलाफ, जिसमें जुनैद और सुनील को आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपए का आर्थिक दंड और आरिफ एवं करीमुद्दीन 6-6 वर्ष की सजा एवं 5,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया गया। साथ में मुकदमावादिनी को 50,000 रुपए दिलाए जाने का निर्णय आ जाया। दो सगी बहनों की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद में उनके और गुजरात के पोरबंदर में एक शख्स के द्वारा तिरंगे का अपमान करने पर मुरादाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस तरह की हरकत को गलत बताया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के पोरबंदर में एक शख्स के द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस मामले में मुरादाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, मुझे अफसोस होता है ऐसे उलमाओं से, ऐसे धार्मिक मुफ्तियों से जो इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम साजिश रचते हैं। राष्ट्रवाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। दरअसल मजहब अपनी जगह है, राष्ट्रवाद अपनी जगह है, और हमारा मजहब ये कहता है कि राष्ट्रवाद ज़रूरी है। गुजरात के पोरबंदर में एक मौलवी द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तिरंगा हमारे देश की शान है, और जिसने भी इसका अपमान किया है वो बहुत गलत कार्य किया है। इस तरीके का कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कल को 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, हमारा देश आज़ाद हुआ था, और तमाम हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने में कुर्बानियां दी थी। इस तरीके की हरकत करके वो जिस तरीके का माहौल करना पैदा करना चाह रहे हैं,
उनके लिए बहुत गलत बात। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में SSP डॉक्टर OP सिंह ने अपने अधीनस्थों के साथ भागीरथी तट कछला गंगा घाट पर आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान के दृष्टिगत कांवड़ियों को तिरंगा वितरण करते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बैंड बाजे के साथ अमृत महोत्सव तिरंगा रैली का आयोजन कर फ्लैग मार्च किया गया। और बता दें कि कछला गंगा तट से बदायूं पुलिस द्वारा कांवड़ियों लिए भंडारा भी चलाया गया। और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कस्बा बिलसी के मोहल्ला नंबर 8 वार्ड 11 में बीती देर रात एक हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां घर के सामने सो रहे 40 वर्षीय तेजेंद्र सागर के ऊपर गला रेतकर अज्ञात हथियारों ने निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। बताते चले कि हत्यारे गला काट कर फरसा मौके पर ही छोड़ गए और फरार हो गए। वारदात को अंजाम मौका पाकर हथियारों ने तब दिया जब तेजेंद्र चारपाई डालकर रोज की तरह घर के बाहर सो रहे थे। हालांकि मृतक के परिजन किसी भी तरह की पुरानी रंजिश से इनकार कर रहे हैं। अपने घर के ही सामने अपनी पत्नी के साथ अलग अलग चारपाई पे सोए हुए थे। किसी ने धारदार हथियार से गला रेत करके उनकी हत्या कर दी। धारदार हथियार गलासा मौके पे ही बरामद हुआ है। इस संदर्भ में परिजनों द्वारा अभी किसी को नामित नहीं किया गया है। तहरीर लेकर के हत्या का अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र ही अनावरण करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरे भाई घर के सामने सोते हैं, ठीक है, उसमें रात में उनका कोई सीन है, मर्डर कर दिया ऐसा वो गर्सा आपने बताया पर आए खर्चा। आज अपने घर के ही सामने अपनी पत्नी के साथ अलग अलग चारपाई पे सोए। और उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल युवक को आनन फानन में राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत नाजुक होने की वजह से घायल युवक को बरेली रेफर कर दिया गया। बता दें कि शाहजहांपुर के मोहल्ला बाबूजय में युवक अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर घर के पास वापस जा रहा था और घर के कुछ दूरी पर ही अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक को गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया। साथ में चल रहे थे और बता दें कि परिजनों के शोर शराबे से भीड़ इकट्ठा हो गई और घायल युवक को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज से बरेली रेफर कर दिया गया। गोलीकांड की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई और बता दें कि वहीं परिजनों ने पुरानी रंजिश से इनकार कर रहे हैं। SP अशोक कुमार मीना, SP City सुधीर जायसवाल ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। SP अशोक कुमार मीना ने बताया कि घटना के जल्द खुलासे के लिए 4 टीमों को लगाया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला बाबूजी के अंतर सोहेब नाम के व्यक्ति को 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारी गई थी। तुरंत से मौके पर जाकर फील्ड यूनिट के द्वारा और हमारी जो टीम है, जो 4 टीम लगाई थी, उनके द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया और वहाँ पर एक फुटेज हमें प्राप्त हुआ है और जो वायरल भी हो रहा है, उसके आधार पर अपराधियों की जो पहचान है वो की गई है। इसमें हमारी चारों टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द इनकी अरेस्टिंग करके इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र। और उत्तराखंड के हरिद्वार बैराज से 3,13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद जिला बिजनौर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हरिद्वार बैराज से 3,13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उन्होंने गंगा नदी के किनारे पर बसे गांववासियों से आह्वान किया है कि वो सतर्क अवस्था में रहें, जब किसी भी अवस्था में गंगा में ना जाएं और ना ही गंगा पार करने का प्रयास करें। उन्होंने ग्रामवासियों को सलाह देते हुए कहा कि वो खुद और अपने मवेशियों को भी गंगा के किनारे पर ना ले जाएं ताकि किसी भी प्रकार की जान और माल की हानि से बचा जा सके। बिजनौर के धामपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव की गली में एक तेंदुआ अचानक घुस गया। तेंदुए को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। आनन फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। उसे पकड़ने आई टीम पर तेंदुए ने हमला कर दिया। रेस्क्यू के दौरान वन कर्मचारी के हाथ को पंजा मारकर घायल कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए पर लाठी डंडों से प्रहार कर कर्मचारी को बचाया। लहूलुहान हालत में कर्मचारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने जाल लगाकर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया।
उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के कोतवाली पडरौना क्षेत्र के गांव चोरा खास के प्रधान के घर पर पुलिसिया उत्पीड़न के मामले में अखिल भारतीय प्रधान संघ के बैनर तले प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष अकबर अंसारी के नेतृत्व में आज दूसरी बार प्रधान संघ के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर कार्यालय पर एक बड़ा आंदोलन के माध्यम से दरोगा और सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज करवाने और उन पर निलंबन की कार्रवाई की मांग की है। जबकि आज के दो दिन पहले प्रधान संघ ने ज्ञापन देकर पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की है। उनके यहाँ जाकर के और उनके साथ उनके परिवार के साथ मिसबिहेव किया गया और जिस पर प्रधान जी के ऊपर एफ आई आर दर्ज हुआ था, उनके गांव के काफी लोगों के ऊपर भी एफ आई आर दर्ज हुआ। दो बच्चे जो ये लोग तांडव कर रहे थे उनके घर में घुस करके उसको लेकर के गांव के दो बच्चे वीडियो बना रहे थे उनको भी गिरफ्तार करके अयोध्या लेकर कर दिया गया। तो सभी बातों को लेकर के एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का मिसबिहेव होना बहुत ही अशोभनीय घटना है और जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं रहे। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज जनपद फिरोजाबाद के सभी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी एसपी सिटी एसपी ग्रामीण और समस्त कर्मचारियों के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें रिटायर्ड आर्मी मैन रिटायर्ड पुलिस अधिकारी सभी धर्मों के धर्मगुरु और आमजन मीडिया बंधु द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। इस मौके पर सभी भारतवासी पुलिस बल के साथ अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर आज़ादी के महोत्सव में देशभक्ति के गानों के साथ झूमते हुए नजर आए। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव में लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों सहित पुलिस अधीक्षक ने प्रभात फेरी निकाली। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के स्कूली बच्चों सहित पुलिस स्टाफ को हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी निकाली। पुलिस लाइन क्षेत्र के सभी मोहल्लों और चौराहों में प्रभात फेरी घुमाई गई। लोगों को स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताने के लिए पुलिस अधीक्षक ने प्रभात फेरी का आयोजन किया था। ये 15 अगस्त को लेकर लगातार दो तीन दिन से हमारे जनपद में पुलिस द्वारा एवं अन्य विभागों द्वारा अलग अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और खुशी से जो हमारा स्वतंत्र दिवस है इसको मनाया भी जा रहा है। उसी संबंध में आज एक प्रभात फेरी जो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पुलिस लाइन में स्कूल है जो चलता है संचालित है, तो उसी के बच्चों के साथ क्योंकि वो पुलिस लाइन से जुड़े हुए हैं, पुलिस लाइन के कुछ कर्मी हमारे द्वारा एडिशनल एसपी साहब द्वारा सीओ द्वारा सभी के द्वारा एक प्रभात फेरी निकाली गई जो पूरे आसपास के क्षेत्र हमारे पुलिस लाइन के लगते हैं वहाँ घुमा के सभी को इस त्यौहार के बारे में बताया गया कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो आने वाला है और लगातार ऐसे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। कल भी और कानपुर देहात के सिकंदरा में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले नगर पंचायत की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की अध्यक्ष नगर पंचायत सीमा पाल के द्वारा तैयारी जोरों जोरों से की गई थी। दरअसल देश को आज़ाद कराने में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा में सिकंदरा नगर पंचायत के सभासद के साथ नगर पंचायत कर्मचारी सहित सैकड़ों नगरवासी शामिल हुए। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा पाल ने बताया कि आज की तिरंगा यात्रा का आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद नगर पंचायत सिकंदरा के नुमाइश मैदान में शिलाखंड की स्थापना और मेरी माटी मेरे देश के तहत दो कलश में मिट्टी भरकर तिरंगा यात्रा को शुरू किया गया है। सबके समापन समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्राथमिक विद्यालय रामलीला मैदान परिसर में शिला फलम की स्थापना कर वीर शहीदों को याद किया गया तथा पंच प्रण की शपथ दिलाई गई, जिसके उपरांत नगर के प्रमुख बाड़ों से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई जो नगर पंचायत कार्यालय में समाप्त हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह कार्यक्रम के
उत्तर प्रदेश के आगरा में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशाल पत्रकारों की रैली निकाली गई। इस खास मौके पर खुद आगरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह पत्रकारों की इस विशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने सभी पत्रकारों की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी पत्रकारों का धन्यवाद व्यक्त किया। और रैली इतनी विशाल थी कि पूरे शहर में सिर्फ वंदे मातरम के नारे गूंजते दिखाई पड़ रहे थे और हर चौराहों पर फूल की वर्षा से पत्रकारों का स्वागत गया। पत्रकारों का जुनून इस तरह था कि यात्रा में मौजूद हर पत्रकार देशभक्ति के गानों पर झूमता दिखाई दिया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार साथियों द्वारा एक रैली निकाली गई, तिरंगा यात्रा रैली, जिसका शुभारंभ पुलिस कमिश्नर साहब ने किया और उसका समापन आज शहीद स्मारक पर किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने इसका समापन किया और पत्रकारों को संबोधन किया। पत्रकारों के हित में उन्होंने कई सारी बातें भी कही हैं जिस पर वो भी अमल करेंगे। मैं सभी पत्रकार साथियों का, आगरे के सभी पत्रकार साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी आगरा वासियों को और पत्रकारों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र के गांव ब्रह्माबाद में सुशील पोसवाल इंटर कॉलेज के छात्रों के द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा स्कूल से होकर गांव के विभिन्न चौराहों से होकर स्कूल पर जाकर समाप्त हुई। इसमें प्रिंसिपल ने बताया कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए वो कामना करते हैं और अच्छी शिक्षा देने के प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर ग्राम प्रधान ओम प्रधानपति और कविता सैनी और स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मेरी माटी मेरा देश की अपने देश की आज़ादी के लिए बच्चों के द्वारा सुशील पोसवाल इंटर कॉलेज ब्रह्माबाद के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली जा रही है। और अमरोहा के हसनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव सहेलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि खेत में चारा लेने जा रही महिला के ऊपर 11,000 एचटी की लाइन टूट कर गिर गई, जो बैलगाड़ी पर गिरी और बैल की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी पर चारा लेने जा रही विमलेश, पत्नी आनंद और सुधा पूरी तरह से घायल हो गए। घायलों को अमरोहा के लिए रेफर किया गया है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची और हल्का लेखपाल भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी घटना के 2 घंटे के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्राम प्रधान रोहित चौधरी का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी जर्जर तारों को नहीं बदला जा रहा है। ना क्या, यहाँ ये चारा लेने आए थे और ये तार टूटा पड़ा था, यहाँ लाइट आ रही थी, ये बैल के पैर में ये लग गया है तार और उनके बिमलेश के भी काफी चोट है। अच्छा, बैल तो ये मौके पे एक्सपायर हो गया। यहाँ कौन कौन आ रहे हैं? यहाँ एक तो जे साहब को फोन करा है, वो आ रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी को फोन करा है, वो आ रहे हैं। और जी पुलिस भी बुलाई है, 100 नंबर भी आ रही है। बांदा जिले के बबेरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत मरखा थाना क्षेत्र के गोंडा गांव का ये मामला है, जहां के रहने वाले मयंक उर्फ आकाश और बिलास उम्र 9 वर्ष खेत में भैंस चरा रहा था। वहीं खेतों में मां धान की रुपाई कर रही थी, तभी भाई भैंस चराते समय मयंक उर्फ आकाश के पैर में सांप ने काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। तभी परिजनों को जानकारी मिलते ही आनन फानन में बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने के बाद मयंक को मृत घोषित कर दिया गया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। इसकी मम्मी धान की रोपाई कर रही थी, अचानक जब इसके पैरों में मतलब सर पड़ गया, काट लिया, तो दूसरे बच्चे आए दौड़ते दौड़ते, जब घर में बताया सर ने काटा, जल्दी गए उसको लेकर घर आए, घर से तुरंत बबीर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जब देखा डॉक्टर ने तो मृत पाए। अच्छा, मृत घोषित कर लिया। ये कहाँ था कि सांप काट लिया था? खेत पर। बच्चे का नाम मयंक और आकाश है, उसके पिताजी का नाम बुद्ध विलास है, 9 साल उम्र है, गोड़ा गांव से उसको लेकर के आए थे और परिजनों ने बताया कि सांप काटा हुआ है और यहाँ मेरे यहाँ मृत अवस्था में लाया गया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी, देश सबसे पहले होना चाहिए, विभाजन का निर्णय त्रासदीपूर्ण था।
अखिलेश यादव बोले चुनाव आयोग पर नियंत्रण चाहती है भाजपा सरकार, कहा चुनाव को बीजेपी आयोग बनाने की हो रही है कोशिश। महाराजगंज के नौतनवा में पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, 40 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाली सड़कों का किया शिलान्यास। और लखीमपुर खीरी के निगासन में गैंगरेप और हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषियों को उम्र कैद और दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ लगाया 15,000 का जुर्माना। दोस्तों एक बार फिर मुंसिफ टीवी आपसे अपील करता है कि आप सभी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, साथ ही हर घर तिरंगा आंदोलन के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर harghartiranga.com वेबसाइट पर अपनी फोटो अपलोड करें और सर्टिफिकेट हासिल करें। आखिर में मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।